हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बीइंग फार्मासिस्ट। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट पंजाब यूनिवर्सिटी UIPS चंडीगढ़ के बारे में, यहाँ के एडमिशन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सीट्स, फीस एंड ऑल द अदर डिटेल्स रिलेटेड टू द एडमिशन 2023 के बारे में। ठीक है, तो दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया फॉर फार्मेसी कोर्सेज। यहाँ पे आप लोग बी फार्म कर सकते हो, एम फार्म कर सकते हो, PhD कर सकते हो। एम फार्म के एडमिशन प्रोसेस के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखो एंड देखने के बाद डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द डिटेल्स नोटिफिकेशन। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको एक बार देख लेते हैं। तो कहाँ से मिलेगा आपको, डॉक्यूमेंट पे एडमिशन पे जाओगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एडमिशन नोटिस, इसको एक बार पढ़ लेते हैं सबसे पहले। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफर्स फॉलोइंग UG, PG सर्टिफिकेट, डिप्लोमा एक्सेट्रा एक्सेट्रा कोर्सेस। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि कौन कौन से कोर्सेस का एडमिशन कौन कौन से किस बेसिस पे होगा। तो यहाँ पे जो लास्ट डेट है वो हमारा है 10/7/2023, ज़्यादा दिन नहीं है, तो अप्लाई कर दीजिए आप लोग। और जो स्टार्ट हो रहा है वो 12/6/2023 से स्टार्ट हुआ है, ये जो 1/7 PG कोर्सेस है। अब डिफरेंट टाइप का PG कोर्सेस है, उसमें से हमारा जो आता है यहाँ पे जो कोर्सेस 4 नंबर पे, कोर्सेस विदाउट एंट्रेंस और एप्टीट्यूड टेस्ट। एम फार्म में एडमिशन के लिए आपका कोई एंट्रेंस टेस्ट, कोई एप्टीट्यूड टेस्ट या फिर कुछ भी इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट एडमिशन होगा यहाँ पे GPAT के बेसिस पे। ठीक है, बट नॉन GPAT स्टूडेंट्स ऑल्सो एलिजिबल है फॉर द एडमिशन। हम लोग यहाँ पे फार्मेसी कोर्सेज एंड उनके एडमिशन डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आओगे तो अबाउट द इंस्टीट्यूट, फैकल्टीज़ के बारे में डिटेल्स देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिटेल्स देख लेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट अवेलेबल है। तो बी फार्म बैचलर ऑफ फार्मेसी जहाँ पे 46 आपको सीट्स मिल जाएंगे, 4 ईयर्स का कोर्स है। और एम फार्म में आपको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी, फार्माकोलॉजी यहाँ पे 8/2/2 कैटेगरी ए बी, ये क्या है आगे मैं बताने वाला हूँ आप सबको। पहले आप लोग सीट्स देख सकते हो, कैटेगरी ए में आपको 8 करके सीट्स मिल जाएंगी, कैटेगरी बी में आपको 2 सीट्स मिलेंगे और 2 NRI की सीट्स है। अब ये अगर सीट फुल नहीं होता तो यहाँ पे चला जाएगा। 55% मार्क्स इन बी फार्म फ्रॉम PCI और AICTE अप्रूव इंस्टीट्यूट। आप यहाँ पे AICTE और नहीं चाहिए, आप PCI अप्रूव इंस्टीट्यूट इज इनफ एंड वैलिड GPAT स्कोर चाहिए आपके पास। अब एडमिशन जो होगा एम फार्म कोर्स इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ कम्बाइंड मेरिट कैलकुलेटेड फ्रॉम एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन्ड इन बी फार्म 4 ईयर कोर्स एंड GPAT। GPAT से आपका 70% वेटेज लिया जाएगा और 30% लिया जाएगा आपके बी फार्म के स्कोर से। ठीक है, बी फार्म का मार्क्स में भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे 2 और सब्जेक्ट है जो सेल्फ फाइनेंस कोर्स है। तो सेल्फ फाइनेंस कोर्स में आपको एनालिसिस मिलेंगे और क्वालिटी एश्योरेंस मिलेंगे, मतलब QA। यहाँ पे भी 10 करके सीट से और 2 NRI और 1 फॉरेन नेशनल्स के लिए। ठीक है, 55 ये सिमिलर है यहाँ पे। ठीक है, और ए जो कोर्सेज है इसके लिए नॉन GPAT स्टूडेंट्स भी एलिजिबल है। कैटेगरी ए जो स्टूडेंट्स है ये वैलिड है ओनली जो कोर सब्जेक्ट्स है इसके लिए, नॉट इन फॉर द सेल्फ फाइनेंस कोर्स। यहाँ पे कुछ कैटेगरी वगैरह नहीं, यहाँ पे सारे लोग एलिजिबल है। ओके, कैटेगरी ये है पंजाब यूनिवर्सिटी कैंडिडेट। अगर आपने पंजाब यूनिवर्सिटी से किया है अपना बैचलर मतलब बी फार्मा तो आपके लिए 8 सीट है। अगर सफिशियंट नहीं होता है तो वो चला जाएगा कैटेगरी बी में ऑटोमेटिकली, लेकिन पंजाब के कैंडिडेट्स के लिए है। और कैटेगरी बी है जो अदर देन पंजाब यूनिवर्सिटी एंड अदर देन पंजाब ऑल्सो, किसी भी स्टेट से किसी भी कॉलेज से हो तो आप कैटेगरी बी में आते हो। तो लगेगा आपको कि बहुत कम सीट्स है, लेकिन पंजाब में अगर वो नहीं होता है, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी से जिन्होंने बी फार्म किया ऐसा नहीं कि उन सभी ने GPAT क्वालिफाई कर लिया है, तो ऑब्वियसली वो सीट्स कैटेगरी बी में चला आएगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो एनी सीट्स रिमेनिंग अनफिल्ड अंडर कैटेगरी ए विल बी ट्रांसफर टू कैटेगरी बी एंड वाइस वर्सा, ऑपोजिट भी हो सकता है। द GPAT क्वालिफाइड स्टूडेंट्स एडमिटेड अंडर वेरियस एम फॉर्म कोर्स एंड द एडवर्टाइज्ड एडिशनल सीट्स एज पर द नॉर्म्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। द स्कॉलरशिप अब यहाँ पे देख सकते हो, स्कॉलरशिप इज सब्जेक्ट टू अनाउंसमेंट ऑफ द AICTE PG स्कॉलरशिप। तो यह फिलहाल होल्ड पे है, तो जो देगा वहीं से आपको स्कॉलरशिप मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे सीट्स जैसे कि आप देख सकते हो स्कॉलरशिप सैंक्शन सीट्स ये है 15 15 10 10 10 10। ओके, फिर तो सिलेबस देख सकते हो, हाँ एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस एंड ऑल अदर ट्रस्ट एरियाज प्लेसमेंट्स एल्यूमिनी रिएक्शंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा आप यहाँ पे देख सकते हो। अब आपको देखना है इस वाले पेज पे आना है, ये हमारा ऑनलाइन एडमिशन का जो PG डिप्लोमा एंड एडवांस PG डिप्लोमा के लिए ये हमारा है पेज। ठीक है, यहीं पे आपको आ जाना है एडमिशन के लिए। यहाँ से आप लोग फॉर्मेट्स डाउनलोड कर सकते हो, एडमिशन नोटिस देख सकते हो, गाइडलाइंस पढ़ सकते हो एंड जो इम्पोर्टेंट डेट्स है उनको देख सकते हो। इम्पोर्टेंट डेट्स पे जाओगे तो देख सकते हो यहाँ पे सारे डेट्स दिया है। ओके, और आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप भी कर सकते हो। यहाँ पे डिपार्टमेंट एंड कोर्स पे जाओगे तो यहाँ पे सबसे पहले सर्च कर लेना
फैकल्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड सबमिट करना, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कोर्स देखने के लिए मिल जाएंगे, और यहाँ पे लॉगिन ऑप्शन पे जाओगे सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे साइन इन कर सकते हो, एंड अगर आपका साइन इन नहीं तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करो यहाँ पे ऐसे ऐसे करके, फिर साइन इन करो, देन फॉर्म को फिल करो, सिंपल प्रोसेस है बहुत, फॉर्म फिल करो जीपैट स्कोर देके, ठीक है, उसके बाद फीस पेमेंट करो, डॉक्यूमेंट दो, एंड बस वेट करो मेरिट लिस्ट आने के लिए। दिस इज़ द ऑल प्रोसेस पंजाब यूनिवर्सिटी में, एंड आप सबको पता है वन ऑफ द टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है इंडिया का, तो ऑब्वियसली जिनका रैंक अराउंड मैक्सिमम 1100 टू 1200 तक है, मतलब 1100 से 1200 रैंक तक, मैं उनको प्रेफर करूँगा कि आप लोग अप्लाई करो, क्योंकि उससे आगे ये नहीं जाता है। बट स्टिल अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो आप लोग ज़रूर ट्राई कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल मैं नहीं कहूँगा कि अप्लाई मत करो, नहीं होगा, चांसेस की बात कर रहा था मैं बस। आप चाहो तो डेफिनेटली आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हो, नाइप पर भी फोकस करो फिलहाल, और इन सारे जो फॉर्म्स आ रहे हैं इनको भी फिलअप करो, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।